अब तो बिग बॉस के अंदर के खबरी भी परेशान हो चुके हैं बिग बॉस के दोगलेपन से। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूं ज्योति नाहा। घर के अंदर दो नए वाइल्ड कार्ड्स आ चुके हैं जिनके नाम सामने आ रहे थे वो ना होकर विकास और उनके साथ सृजिता दे है। सृजिता को आप पहले भी इस सीजन में देख चुके हैं, फर्स्ट कंटेस्टेंट थी वो इस सीजन की जो इविक्ट हो गई थी, लेकिन अब वापस से शो पर आई हैं। जाहिर सी बात है ट्रॉफी जीत कर तो वो शायद ही जाएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि शो में 110% एंटरटेनमेंट वो और ज्यादा एड ऑन कर देंगे, एंटरटेनमेंट और ज्यादा लेकर आएंगी। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूल्स येट अगेन, मैं हूं ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी सदस्य इस वक्त मौजूद हैं उन सबको टीना दत्ता के अंदर की असलियत को देखना बहुत जरूरी है और इसीलिए शायद एंट्री हुई है सृजिता दे की। खैर ये तो हो गई वाइल्ड कार्ड्स की बात, लेकिन अब शो से जाएगा कौन? गौतम सिंह विज के बाद हार्डली क्या, गौतम के बाद कोई शो से निकला ही नहीं है। लोग आए हैं और मेहमान की तरह गए हैं, जैसे मेहमान थे वो आए और वो गए, गोल्डन बॉयज आए और फिर वो गए, लेकिन शो से कंटेस्टेंट वाकई इविक्ट नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि बिग बॉस जिनको निकालना चाहते हैं वो नॉमिनेशंस में नहीं आ रहे हैं और इसीलिए बिग बॉस प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। बट यार इतना भी ओपनली मत करो ना। अंकित के लिए कल जिस तरीके से अंकित और साजिद के लिए बिग बॉस ने कहा टीना को, निमृत को, शिव को रूम में यानी कि कन्फेशन रूम में बुलाकर वहां पर जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा कि यू नो अंकित को आपको लगता है वो सही कर रहे हैं, अंकित आपको लगता है सही है, ऐसा है वैसा है, अंकित के खिलाफ जिस तरीके से स्पून फीडिंग लिटरली की गई है, व्हाट इज दिस? गौहर खान भी इस चीज पर भड़की हैं, गौरव भी इस चीज़ पर भड़के हैं, सीजन 10 में नजर आए थे गौरव। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, एक्स कंटेस्टेंट्स हैं, वो भी इन चीज़ों से इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक्सेप्ट इन चीज़ों के अलावा जो सदस्य वाकई, जैसे अंकित को लेकर कल बिग बॉस ने कहा कि अंकित इतनी बार कहते हैं कि उन्हें तो रहना ही नहीं है शो में, उन्हें तो रहना ही नहीं है, फिर भी वो कैप्टन बन गए हैं, वो सेव हो गए हैं, वो यू नो संचालक बने हैं शो के, उन्होंने टास्क अपने फेवर में ले लिया ना रहते हुए भी, ना चाहत करते हुए भी, आपको लगता है कि ये सही है? तो अब हमारा सवाल कहीं ना कहीं बिग बॉस से है कि एमसी स्टैन जो दिन में 25 बार बोलते हैं, सलमान के सामने तक उन्होंने कह दिया था कि उन्हें नहीं रहना है शो पर, तब आपने इस चीज़ को पिकअप क्यों नहीं किया? तब आप इस चीज़ को क्यों नोटिस में नहीं लाते? एमसी स्टैन तो हर दिन कहते हैं कि उन्हें जाना है, अगर वो निकल जाएंगे तो वो उनके उनके ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट डे होगा। शालीन इतनी बार कह चुके हैं, सलमान के सामने शालीन इतनी बार कह चुके हैं कि उन्हें शो में नहीं रहना, उस चीज़ को बिग बॉस पिक पॉइंट क्यों नहीं करते? रादर बिग बॉस पिक पॉइंट करते हैं उन चीज़ों को जो अंकित ने एक आधी बार कह दिया कि मेरा वैसे भी हो गया है, ये मेरा वैसे भी हो गया है, ये तो कई सारे लोग कह चुके हैं, साजिद कहते हैं, अब्दू कह चुके हैं एक आधा बार, यू नो इरिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में या हर्टनेस में, हर्ट में कई बार कई लोग कह देते हैं। बिग बॉस एमसी स्टैन को बचाना चाहते हैं, शालीन को बचाना चाहते हैं, लेकिन अंकित को प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं। इस चीज़ पर आपकी क्या राय है बताइएगा।